पुलवामा हमले को आज एक हफ्ता पूरा हो गया। उन परिवारों के जख्म अभी भी हरे हैं जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने इस हमले के 100 घंटे के बाद मास्टरमाइंड समेत जैश के 3 आतंकियों को खत्म कर दिया है। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए भारत के 5 और शूरवीरों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। एनआईए पुलवामा हमले की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में साजिश के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हमले के लिए इस्तेमाल आरडीएक्स पाकिस्तान से भारत में पहुंचा था। जी मीडिया आतंकी हमले के बाद से ही ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक तस्वीर एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। हम आपको बिल्कुल उस जगह पर लेकर आए हैं, उस स्पॉट पर लेकर के आए हैं जिस स्पॉट पर धमाका हुआ था, यानी सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय था, जिस गाड़ी ने सीआरपीएफ के बस को हिट किया था, ये वही जगह। अगर आप देखें तो यहाँ सबसे आपको हम यहाँ की नजदीक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस सड़क में उस जगह पर एक गड्ढा हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये धमाका रहा होगा। तो यहाँ पर अभी भी एक के बाद एक करके बड़े अधिकारी आ रहे हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मदद से यहाँ इतनी बड़ी साजिश रची गई। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पुलवामा।